क्षेत्र के समस्त किसान भाइयों को नमस्कार। क्योंकि जो अफीम कृषक हैं, अफीम फसल तैयार होकर खेतों से बाहर आनी है, सीपीएस पद्धति को लेकर किसान भाइयों के बीच में एक प्रश्न खड़ा है कि कुछ लोग अवैध रूप से पैसे की डिमांड कर रहे हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि विभाग के पास सीपीएस पद्धति के खेतों में सिर्फ ये चेक करने का अधिकार है कि आपने चीरा लगाया है हाँ या ना, इसके अलावा उनके पास कोई राइट्स नहीं है। कृपा करके आप भ्रमित न हो, और जो किसान भाइयों से कोई भी मुखिया के माध्यम से या अधिकारी के माध्यम से वसूली की अवैध चेष्टा करता है वो तुरंत मुझे मैसेज करे, एसएमएस के माध्यम से भी, और मुझे जानकारी भी दे। जो मुखिया अवैध कार्य करेगा वो सजा पाएगा, और जो सरकारी अधिकारी अगर ऐसी अवैध कृत्यों में पाया गया तो निश्चित रूप से वो सस्पेंड होगा। मैं आप सब लोगों के साथ खड़ा हूं इस आशा अपेक्षा के साथ कि हम सब एक खुशनुमा माहौल में इन फसलों को ले जाएं, और ये जो अवैध काम करने वाले अधिकारी हैं इनको न तो हम बख्शेंगे न आप बख्शें। आप हमें विधिवत सूचना दें ताकि हम इनके खिलाफ कार्रवाई कर सकें। और मैं ऊपर के तमाम अधिकारियों को बता चुका हूं कि अगर कोई भी ऐसी अवैध एक्टिविटी पाई गई तो उन्हें दंडित करने की प्रक्रिया शासन नियमानुसार करेगी। धन्यवाद।